हम ज सीखेंगे, ज का महावरा करेंगे। तो ज से कौन सा शब्द बनेगा? ज से जहाज। यहाँ पे मैंने ज लिखा है, ज से जहाज, ज से जहाज। हिंदी में हम ज को क्या कहेंगे? ज से जहाज। और गुजराती में जहाज को क्या कहेंगे? वहां। गुजराती मैंने शू कही शू अपने वहां। पढ़ो और लिखो, ज से जहाज, ज से वहां। ज ढूंढ कर उस पर गोल बनाओ, ज शोधी जेना पर गोल बनाओ। पहले हम ये मूलाक्षर को पढ़ेंगे, ज न ट ख ज क ज म य ज ल क ज ग। अब पहली लाइन में हम देखेंगे कि ज यहां से हम ढूंढेंगे कि ज कहां पर है। तो पहले ये देखो कौन सा मूलाक्षर यहाँ पे? ज। तो ज के ऊपर हम क्या करेंगे? इसे गोल बनाएंगे। दूसरा मूलाक्षर देखेंगे हम, न ट ख ज। तो ज के ऊपर हम ऐसे गोल बनाएंगे, क ज। तो पहली लाइन में कितने ज है? एक दो और तीन। अब दूसरे लाइन में हम ज देखेंगे, म र ज। तो ज के ऊपर हम ऐसे गोल बनाएंगे, ल क ज। तो इसके ऊपर हम ऐसे गोल बनाएंगे, ग। तो कुल कितने ज है? पहली लाइन में देखो तीन, एक दो तीन, और दूसरी लाइन में दो, एक और दो। कुल मिलाकर कितने हुए? पांच ज। पांच ज पे हमने क्या किया है? ज को ढूंढकर उस पर गोल बनाना है। नीचे यहाँ पे पढ़ो और लिखो, माचो ने लखो। तो यहाँ तीन लाइन मैंने बनाई है और पांच पांच बार हम ज का महावरा करेंगे, ज से जहाज, 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 ज से जहाज। तो ये तीन लाइन में ज लिखेंगे और ज का महावरा करेंगे। ज को ज से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो, ज ने ज की शुरू करता चित्रों साथे जोड़ो। यहाँ मैं बीच में ज लिख दूंगी, यहाँ पे ज। तो जैसे कौन कौन से शब्द है? जैसे जहाज, जैसे जलेबी। जलेबी तो आप सबको पसंद ही होगी। ज जैसे जल, जैसे जल। अब जैसे जो शब्द शुरू होते हैं उसको हम चित्रों के साथ जोड़ेंगे। तो पहला शब्द यहाँ से हम शुरू करेंगे, बकरी। तो बकरी को हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो ब से शुरू होता है। यहाँ जहाज, तो ज से जहाज। तो ज को हम जहाज के चित्र के साथ ऐसे जोड़ेंगे, ज से जहाज। घड़ा, घड़ा को यहाँ यहाँ में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये घ से शुरू होता है। जलेबी, तो ज से जलेबी। तो ज को हम जलेबी के चित्र के साथ ऐसे जोड़ेंगे। चरखा, यहाँ हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये शब्द च से शुरू होता है। जल, तो जल, ज से जल। तो ज के साथ हम ये जल के चित्र को ऐसे जोड़ेंगे, ज से जल।
ज से जग, तो जग को हम जग के चित्र के साथ ऐसे जोड़ेंगे। तो कौन कौन से शब्द बने? जैसे जहाज, जैसे जलेबी, जैसे जल और जैसे जग। ज के नीचे रेखा खींचो, जनी नीचे लिटी करो। तो ये शब्द मैंने लिखे, पहले हम शब्द को पढ़ेंगे। सूरज, जनक, गाजर, जमुना, भजन, काजल। ये पहला शब्द हम देखेंगे कि सूरज। तो जग के नीचे हमें क्या करना है? रेखा खींचनी है। तो सूरज, तो जग के नीचे हम ऐसे रेखा खींचेंगे सूरज। जनक, तो जग के नीचे हम ऐसे रेखा खींचेंगे जनक। गाजर, जग के नीचे हम ऐसे रेखा खींचेंगे गाजर। जमुना, तो जग के नीचे हम ऐसे रेखा खींचेंगे जमुना। भजन, तो जग के नीचे हम ऐसे रेखा खींचेंगे भजन। काजल, तो जग के नीचे हम ऐसे रेखा खींचेंगे। ज से अलग वर्ण पर रंग करो, ज की जुदा अक्षर पर रंग करो। ये मूलाक्षर जो मैंने लिखे, पहले हम इसको पढ़ेंगे। ज, न, ल, ज, र, घ, ज, छ, अण, ज, ज, व, ज, ब, श। अब इसमें देखेंगे कि जैसे अलग वर्ण कौन कौन से है। तो पहली लाइन में देखो कौन कौन से अलग वर्ण है, ये दो है ज और ज। तो अलग वर्ण कौन कौन से है? न, ल और र। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? रंग। न के ऊपर हम क्या करेंगे? रंग। ल, इसके ऊपर हम ऐसे रंग करेंगे र। र के ऊपर हम रंग करेंगे। दूसरी लाइन में हम देखेंगे कि कितने अलग वर्ण है। तो ये घ, छ, अण, तो ये तीन मूलाक्षर पर हम क्या करेंगे? रंग करेंगे। घ के ऊपर रंग करेंगे, छ के ऊपर रंग करेंगे और अण के ऊपर हम रंग करेंगे। तीसरी लाइन में हम देखेंगे कि कौन कौन से अलग वर्ण है। तो व, ब और स, तो इन तीनों के ऊपर हम क्या करेंगे? रंग करेंगे। व, ब, श। तो हमने यहाँ पे क्या किया? जैसे जो अलग वर्ण है उस पर हमने रन किया है। पढ़ो और लिखो, वाचो और ने लखो। यहाँ मैंने शब्द जो लिखे है आगे का मूलाक्षर मैंने लिखा नहीं है, तो बन जाएगा, यहाँ मैं जल लिख दूंगी तो बन जाएगा शब्द जलेबी। जैसे जलेबी, ये शब्द हम तीन बार लिखेंगे और इसका महावरा करेंगे। जैसे जलेबी, जैसे जलेबी, जैसे जलेबी। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है अगला शब्द, तो लिखूंगी मैं यहाँ पे ज, तो बन जाएगा जग। ज, ग, तीन बार हम लिखेंगे जग। ज से जल, यहां मैं जल लिख दूंगी तो शब्द बन जाएगा जल। तो तीन बार हम लिखेंगे जल, जल, जल। और यहां जल लिख दूंगी तो शब्द बन जाएगा जहाज। ज से जहाज, ज से जहाज, ज से जहाज। ये तीन बार लिखना भी है और पढ़ना भी है। ज से जलेबी, ज से जर, ज से जल और ज से जहाज। शब्द में से ज ढूंढकर उस पर गोल बनाओ, शब्द माथी ज सोधी तेना ऊपर गोल बनाओ। यहाँ चार शब्द लिखे हैं, ज, बा, न, ब, ज, न,
जमना, काजल। तो यहाँ पहला शब्द है जबान, तो जब पर हम क्या करेंगे, गोल बनाएंगे जबान। भजन, तो ज के ऊपर हम गोल बनाएंगे भजन। और जमना, ज के ऊपर हम इसे गोल बनाएंगे जमना। काजल, तो ज के ऊपर हम ऐसे गोल बनाएंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, जबान पे ज के ऊपर गोल बनाया, जबान, भजन, जमना और काजल। तो हमने ये मूलाक्षर सीखे ज तक, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम झरना का ज सीखेंगे।